सात प्रकार के आंगन है, घर का आंगन बोलो, राजा के घर का आंगन बोलो, राजमहल का आंगन बोलो, लेकिन वो इंसान के रहने वाले घर का आंगन, दूसरा परमेश्वर के निवास का मेल मिलाप वाले तंबू का आंगन, और तीसरा सुलेमान राजा ने बनाया हुआ जो यहोवा का भवन था उसके अंदर एक नहीं दो आंगन थे, ऐसे चार आंगन थे, और जिक्र किया गया है भीतरी आंगन और बाहरी आंगन, आउटर कोर्ट एंड इनर कोर्ट। इंग्लिश में आंगन को कोर्ट कहा जाता है। और मैंने एक किस्सा आपको बताया था, वो किस्सों को फिर से एक बार हम दोहराएंगे कि उसी वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गए, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको जो नए लोग जुड़े हुए उनको मैं बताना चाहता हूँ। इस वक्त हम परमेश्वर का आंगन, इंग्लिश में आप कह सकते हो उसे लॉर्ड कोर्ट, बहुत अच्छा ये टॉपिक परमेश्वर आपको दे रहा है, कोर्ट्स ऑफ द लॉर्ड इंग्लिश में कहा जाता है, जो टैबरनेकल में भी दिखता है, इंसान के घर के पास भी दिखता है, और उसी के साथ सुलेमान ने बनाया हुआ जो भवन था वहां पर भी दो प्रकार के आंगन थे। तो ये आंगन के बारे में जब हम सोचते हैं तो उसमें कुछ बात हमें दिखती है कि आंगन के बारे में भजन संहिता 84:2-10 में वहां पे भजनकार कहता है कि परमेश्वर मुझे तेरे आंगन की अभिलाषा लगी हुई है। जो गित्ती लोग हैं जिन्होंने उस भजन को अपना एक अलग उसे क्या कहते हैं लिरिक्स दिया या एक म्यूजिकल सॉन्ग के जैसा उसको गाया जाता है वैसा भजनकार ने वो काम किया है। ये गित्ती परिवार के लोग कहते हैं कि हे परमेश्वर तेरे आंगनों की अभिलाषा में मेरा प्राण मूर्छित होते जा रहा है। जैसे कोई किस चीज के लिए बीमार पड़ जाता है वो जुनून उसके अंदर रहता है। मोस्टली ये जो आजकल के जो नौजवान है वन साइड लव जो करते हैं, वन वे ट्रैफिक में घुसकर भले ही जो अपोजिट व्यक्ति उसको भाव नहीं दे रहा है लेकिन वन साइड प्रेम में वो अपने अंदर अंदर घुटते जाता है, घुटन सी उसके जीवन में शुरू हो जाती है। और दूसरी बात, हमने आंगन का समर्पण देखा जो भजन संहिता 96:8 और 104 में दिया है कि एक जगह पे वो कहता है कि धन्यवाद के साथ तेरे आंगन में आऊंगा और तेरे आंगन में स्तुति का बलिदान लेकर आऊंगा। उसके बाद हमने तीसरी बात देखी आंगन का अपमान, और चौथी बात है आंगन में होने वाला न्याय। आंगन का महत्व जो भजन संहिता 84:2-10 में, आंगन का समर्पण भजन संहिता 96:8-104 में है, आंगन का अपमान जो यशया नबी का पहला अध्याय और वचन 12 में है, और आंगन का न्याय आपको यश्केल नबी का 9 अध्याय और वचन 7 में दिखेगा। अब जब आपको मैंने कहा कि ये जो विषय जैसे पुराने नियम में आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, ये तीन चीजें, इसका नए नियम के अनुसार क्या अर्थ निकलता है, तो नए नियम के अनुसार जो पवित्र आत्मा ने परमेश्वर ने मुझे जो रेवलेशन दिया कि हमें आंगन को क्या समझना है, तो उसको समझने के लिए आपको भजन संहिता 84:2 जो है 84:2 उसके अंदर भजनकार कहता है कि तेरी आंगन की अभिलाषा या चाहत कह सकते हो। आंगन क्या है पता है, आंगन है चाहत, समझ लो मेरी बात को, आंगन है चाहत, पवित्र स्थान है इबादत, और परम पवित्र स्थान है मोहब्बत। जो आंगन की चाहत रखता है एक सही चाहत के द्वारा, जो खुदावन के आंगन में पवित्रता के साथ एक धर्मी जीवन के साथ जब आता है ना, तो वही चाहत उसे इबादत के लिए पवित्र स्थान में लेकर जाती है, और वही इबादत करते करते पवित्र स्थान से उसे परम पवित्र स्थान में मोहब्बत करने के लिए भेजता है। ये होली लव का सकते हैं अगापे लव। अब ये बातें हमें क्यों समझनी है, आंगन में हम विश्वासी बनकर आते हैं, ये एक और अलग बात है, आंगन में हम विश्वासी होते हैं, पवित्र स्थान में हम चेले बनते हैं, और जब हम अति पवित्र स्थान में जाते हैं तब उसकी संतान बनते हैं। वास्तविक वचन कहता है कि यीशु मसीह पे विश्वास रखने के द्वारा हम परमेश्वर के संतान हो गए, लेकिन वो पूरा निष्ठा निभाने के लिए आंगन की चाहत, पवित्र स्थान की इबादत और अति पवित्र स्थान की मोहब्बत
ये तीनों चीज जब इकट्ठा होती है तब जाके वो एक स्ट्रॉन्ग परमेश्वर के साथ रिश्ता या एक दृढ़ नाता या एक रिश्ता बन जाता है। आमीन, हालेलुया। हर एक वस्तु की शोभा आंगन से होती है, जो मैंने आपको बताया घर का आंगन। अब अगर आप देखोगे कि सरकार भी जब बारिश के समय में आंगन को साफ सुथरा कहने करने की चेतावनी देते ताकि उसमें पानी इकट्ठा ना हो, डेंगू मलेरिया जैसे मच्छर पैदा ना हो, बीमारी का जो भी साम्राज्य ना बढ़े, इसलिए आंगन को साफ सुथरा रखा जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे घर हो या मंदिर हो, उसे आंगन हमें दिखता ही है। आंगन का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आंगन है चाहत, क्या मेरे अंदर परमेश्वर के विषय चाहत है, क्या मुझे कुछ चाहिए इसीलिए खुदा के पास आता हूं मैं, या मुझे चाहत है कि मैं रोज उसकी संगति में बैठूं। दाऊद कहता है कि मैं सुबह दोपहर शाम उसके सामने प्रार्थना में बैठता हूं। क्या आज आपके जीवन में क्या आप उस चाहत से उसके पास आते हो? आप वैसे उस प्रेमी परमेश्वर के प्रेम में, उस प्रेम की आग में जलते हुए उसके पास आते हो क्या? एज अ फॉर्मेलिटी बोल के हम आते हैं? आंगन चाहत को दर्शाता है। अगर चाहत है तो इबादत है, इबादत है तो मोहब्बत है। इन बातों को अगर ये स्टडी आपको किसी किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई की, मैं वो बात आपके सामने रख रहा हूं। पता नहीं ये कितने एपिसोड में चलेगा, जब तक खुदा की आत्मा मुझे अगुवाई करेगी तब तक मैं ये देता रहूंगा। कुछ मीठी बात निकल कर आएगी, कुछ कड़वी बात निकल कर आएगी, कुछ जख्मी करने वाली बात निकल कर आएगी, कुछ न्याय वाली बात निकल कर आएगी, कुछ प्रोत्साहित करने वाली बात निकल कर आएगी, लेकिन आएगी जरूर जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वो परमेश्वर अपने कलाम को भेजकर ना केवल हमें चंगा करता है तो हमें गड्ढों से बाहर भी निकालता है, केवल चंगाई नहीं तो गड्ढों से बाहर भी निकाल सकता है। आमीन। ये रेवलेशन, ये खुदा ने जो मुझे दिया है उसे फैलाओ, जैसे जिस हमारे बेंजामिन परिवार ने जो लिखा है, चाहत इबादत मोहब्बत। मुझे यही बात अच्छी लगती है कि आप इमीडिएट पिकअप कर लेते हो उन बातों को। अगर आप कहेंगे परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, खुदावन आई मैं तुझसे प्रेम, जीसस आई लव यू, लेकिन अगर आपके अंदर उसकी हुजूरी में आने का, उसकी हुजूरी में बैठने के लिए अगर आपके पास समय नहीं है, तो इसका मतलब आप चाहत छोड़कर, इबादत छोड़कर डायरेक्टली उछलकर मोहब्बत करने के लिए अति पवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान या होली, मोस्ट होली प्लेस में जाना चाहते हो। नहीं होगा। ये सीक्वेंस है, ये तरीका है। इस तरीके से ही हमको जाना पड़ेगा, इसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। इसीलिए आप भजन संहिता 84:2-10 वचन को गुनगुनाओ, बोलो परमेश्वर को, प्रभु मुझे एक ऐसी चाहत, ऐसा हृदय तू दे कि तेरी संगति में। इसका मतलब चर्च की ओर भागने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। चर्च तो हमारे लिए सप्ताह में एक या दो दिन होगा, लेकिन रोज का चर्च हमारे घर में। क्या मैं खुदावन के साथ मेरी पर्सनल फेलोशिप में, मेरी फैमिली फेलोशिप में, क्या उस चाहत के साथ मैं उसका वचन पढ़ता हूँ, वो चाहत के साथ उसका मैं इबादत करता हूँ, मैं घुटनों के बल आके मेरे लिए, मेरे सताने वालों के लिए, मेरे दोस्त यारों के लिए, सभी के लिए दुआ करता हूँ। आज लोगों के पास सब बात के लिए समय है, लेकिन चाहत नहीं भाई। रिश्ते तो है लेकिन चाहत नहीं है। वैसा ही आज बहुत सारों के जीवन में, उनके जीवन में खुदावन है लेकिन उस खुदावन की चाहत नहीं है। आज इन बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है। इन बातों को समझकर अगर हम चलेंगे तो हम सच्चे प्रेमी कहलाएंगे। आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी गीत गाकर आराधना को खत्म किया ताकि मैं आपके साथ ज्यादा समय बिता सकूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन बातों को अगर आप समझोगे तो मुझे आपको बताना है कि आपको किसी के पास जाकर आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसकी चाहत में आप आते हो, जिसकी इबादत आप करते हो, जिससे मोहब्बत आप करते हो, वो आपको ऊंचाई की उड़ान देकर महिमा से महिमा में लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब हमें अगुओं को छोड़ना नहीं है, हमारे अगुओं के साथ हमें चलना। आमीन, हालेलुया। अब हमने देखा कि आंगन में तीन बातें हैं, आंगन की तीन बातें,
पवित्र स्थान की तीन बातें और परम पवित्र स्थान की तीन बातें है। इसलिए मैंने पहले ही आपको क्लियर किया कि मैं निवास मंडप का मैसेज लेकर नहीं आया हूँ, मैं केवल आंगन की बात बताऊंगा। चाहत एक बार आपके अंदर आ गई ना तो चाहत इबादत करना सिखाती है, और जब इबादत करना आप सीख जाते हो ना तो मोहब्बत ऑटोमेटिक आपके जीवन में आप करना शुरू कर दोगे। हमें किस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता कब जुड़ता है, जब आप उस चाहत से उसके करीब जाते हो। वही चाहत उसके संपर्क में जाने के लिए आपको बहुत ही बेचैन करती है, और उसके साथ अधिक समय बिताने के बाद आपको, मैं अच्छी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, ये दुनिया की मोहब्बत नहीं, अच्छे रिश्ते के बारे में कह रहा हूँ, उसको समझ लो आपको। हमें बाइबल हमें बताती है कि आंगन में तीन चीजें, नंबर एक दरवाजा, नंबर दो शुद्धिकरण का पानी का बर्तन, और नंबर तीन होम वेदी जिस पर बलिदान जलाया जाता था। जो भी पशु का हो, पंछी का हो, जो भी हो, वो बलिदान भेड़ का हो, जो भी प्राणी का हो, उसको उस होम वेदी पर उसका हवन किया जाता था। तो ये तीनों चीजें क्या दर्शाती है, दरवाजा। यीशु ने कहा स्वर्ग का दरवाजा मैं हूं, मेरे द्वारा आए बिना पिता के पास कोई नहीं जाएगा। वो पानी का शुद्धिकरण का बर्तन क्या दर्शाता है, वो पानी और शुद्धिकरण का दर्शन ये है, वो पानी परमेश्वर का वचन है, वो पानी परमेश्वर की आत्मा है। वचन रूपी जल स्नान से शुद्ध हो जाओ कहा गया है, आत्मा से भर जाओ कहा गया है। जब आप यीशु नाम के दरवाजे से, जब उस चाहत से प्रवेश करते हो ना, तो आपको आपकी व्यक्तिगत आराधना में और भक्ति में, चर्च की आराधना और भक्ति में आपको वचन रूपी जल स्नान से शुद्ध किया जाता है, और उसी जल से आपको परिपूर्ण करके आपको परिपक्व किया जाता है। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा, इससे आप परिपूर्ण होते हो, और आपके जीवन का जो भी गलत है उसका आप, वो होम वेदी क्रूस को दर्शाता है। अपना अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे आ जाओ, त्याग करने वाली बात, कुर्बानी देने वाली बात। हम कुर्बानियां देते हैं किस लिए, कि पिता को जो भाता है वही बात हम करते हैं, पिता को जो नहीं भाता है हमारे जीवन से हटा देते हैं। आमीन। ये फाउंडेशन बताकर मैं आपको आज आंगन की जो तीसरी बात है, वो तीसरी बात क्या है, आंगन की तीसरी बात है यशया नबी का पहला अध्याय और वचन 11 और 12 में पढ़ूंगा आपके लिए। तो इस सेशन में, इस आंगन के पार्ट के लिए मैंने कुछ शब्द चुने, आंगन का अपमान, या आंगन के साथ खिलवाड़, या आंगन में होने वाला ढोंग। फिर अभी आंगन में आपको जिस परमेश्वर की आप चाहत रखते हो, चाहत का अपमान, चाहत के साथ खिलवाड़। जब मन आया, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आपको बताए कि बहुत सारे, मुझे पता नहीं कि आपको, आपके शहर में बात पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर क्या होता है ना, एक ही युवक बहुत सारी लड़कियों के साथ मिला हुआ होता है, समझ लो मेरी बातों को, वो उनके दिलों के साथ, उसकी चाहत के साथ खिलवाड़ करता है, एक घंटे पहले किसी और के साथ, दो घंटे के बाद किसी और के साथ। चाहत में जैसे दुनिया में खिलवाड़ हो रहा है, वैसे ही आज परमेश्वर की चाहत में खिलवाड़ हो रहा है। जब मर्जी आए तब प्रभु के पीछे चले, जब मर्जी नहीं है, जब टाइम नहीं, जब अच्छा चल रहा है तब दुनिया में व्यस्त रह जाना है। और तीसरी बात है आंगन का ढोंग, इन बातों को लेकर। अब जब यशया नबी पहला अध्याय अब उसका 11 और 12 वचन में क्या कहता है, देखो, यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के है, मैं तो मेंढों की होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से आधा गया हूँ, मतलब मैं ऊब गया हूँ, भोग हो गया हूँ, मैं बछड़ों या भेड़ या बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता हूँ। अभी जो भी बलिदान लेकर तुम आ रहे हो, इससे मुझे कुछ भी प्रसन्नता नहीं है। 12 वचन कहता है, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, गौर से सुनो, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाव से रौंदो। सवाल किया है यहाँ पे, कौन चाहता है ये, थोड़ा सा फिजिकली हम देखेंगे, अगर आपने आपका फर्श एकदम क्लीन किया है, मस्त फिनाइल विनाइल डालकर मस्त उसको चमकाया है, और कोई व्यक्ति गोबर में अपना पैर भरा हुआ है, उसे पता नहीं है, वो आता है और उसी जगह पर पैर रखता है,
वहां पे वो मीनिंग होता है आंगन को रोंदने की बात, जिसे हमारे मराठी में दिया है तुड़ाना। इसका इंग्लिश शब्द आता है ट्रैम्पलिंग। अब जब मैंने ट्रैम्पलिंग को थोड़ा सा डिक्शनरी में ढूंढा तो ट्रैम्पलिंग के दो मतलब निकले, रोंदना या कुचलना। भावनाओं को कुचलने के लिए, किसी के दिल की मर्जी को कुचलने के लिए भी वो शब्द यूज किया गया है। अब ये बातें, और एक बात मुझे ट्रैम्पलिंग के लिए एम्पलीफाइड बाइबल में मिला, अनहोली फिट, मतलब अपवित्र पैर। और परमेश्वर क्या कहता है, तुम मुंह उठा के मेरे आंगन में आते हो, कौन चाहता है कि तुम मेरे तुम्हारे पैरों से मेरे आंगनों को तुम रोंदे या कुचले या तुम दुखी कर रहे हो मुझे। पौलुस क्या कहता है इफिसियों की पत्री में, परमेश्वर की आत्मा को दुखी मत करो। क्या मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाला हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अकेले में मैं गुनाहों में जीवन जी रहा हूं, और वो पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति अभी मैं कुछ गलत बातों में पड़ा हुआ या पड़ी हुई हूं, जो मैं परमेश्वर से चाहत रखी थी। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं खुलकर, मसीह लड़के या लड़कियां इन दिनों में अन्य जातियों के साथ मेल मिलाप कर रहे। अब कहा जाता है कि एक आत्माओं को जीता, कुछ ने आत्मा को जीता। मेरे सामने का किस्सा एक पिछले साल का, उस लड़के ने शादी करने के लिए लड़की के साथ बपतिस्मा लिया, चर्च आया और चर्च में शादी किया, और जैसे लड़की को घर लेकर गया, लड़की को साथ फेरे भी फिरवाया। तेरा हो गया, अभी मेरा करना पड़ेगा तुझे, आज से ये बाइबल बीबल चर्च बन, तुझे रोज घंटे बजाकर थाली घुमाकर पूजा अर्चना करना पड़ेगी। कुछ ने आत्मा जीता जाता। आज ये बातें मुझे पता है आपको समझ में आ रही, मुझे क्या कहना है, आज क्या हुआ है पता है। संसारिकता ने कलीसिया के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला हुआ है, और वही प्रभाव लेकर आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदावन के आंगन को रोंद रहे हैं, खुदावन के आंगन को कुचल रहे। दे ट्रैम्पलिंग द कोर्ट्स ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के आंगन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, परमेश्वर की चाहत के साथ। बहुत मैंने देखा है मेरे जीवन में, मेरी कलीसिया में कुछ ऐसे थे कि परमेश्वर से बेनता मोहब्बत करने वाले, लेकिन संसारिकता का मोहब्बत का असर प्रभाव उन पे पड़ा तो खुदा की मोहब्बत को भूल गए और अन्य जाति के साथ घुल मिल गए। मैं मेरी चर्च की बात कर रहा हूं, मुझे बाहर की बात करनी ही नहीं, लेकिन ये बात है परमेश्वर के आंगन को रोंदने वाली बात है। कभी कभी जो गीत गाते हैं ना, वो गीत बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं यीशु, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं। ये गीत में गाने वाले लोगों को देखा है जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया, उन्हें परमेश्वर के प्रेम को ठोकर मारते हुए, उस चाहत का खिलवाड़ करते हुए, अपनी संसारिक और अपनी शारीरिक मर्जियों को और इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो खुदावल को भूल गए और वो उस संसारिक प्रेम में घुल मिल गए। आज ये आंगन को कुचलने वाले लोग, परमेश्वर उन्हें हिदायत दे रहे हैं, क्यों मेरे आंगन को आके रोनते हो, तुम्हें किसने बताया तुम मुंह उठा के आते हो, तुम्हारे ऑफरिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे भेड़ का लहू, तुम्हारे घर के पशुओं की चर्बी, तुम्हारी भेड़ बकरी का अर्पण, उसमें मुझे कोई भी, मैं ऊब गया हूं। आप ये सब तो कर रहे हो। आपको मैं बताना चाहता हूं, आगे जाके हम देखेंगे यिर्मयाह नबी को आंगन के अंदर वचन आया कि बता ये लोग क्या कर रहे, क्योंकि उस वक्त यिर्मयाह के समय पे ऐसे कुछ महागण थे कि पाप करने होने के बाद जो बकरा या जो भेड़ बलिदान करना पड़ता था, वो लोग इन एडवांस और एक भेड़ बलिदान करते थे कि मैं अभी वो करने वाला हूं। इसीलिए परमेश्वर ने जिस भवन का उन्हें बहुत ही घमंड था, उस भवन को ही उनके जीवन से निकाल दिया। जो भेड़ बकरियां लेके वो कहते हैं हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, जो उसका ही है, लेकिन परमेश्वर ने अपना प्रिय भेड़, अपनी प्रिय भेड़
अपना मेमना इस संसार में भेजा, जिसके बारे में योना बपतिस्मा करने वाला कहते हैं, ये देखो परमेश्वर का प्रिय मेमना जो संसार के पाप को उठाकर चलने वाला, वो मेमना बनकर आया। वो मेमना एक साइड से था, दूसरे साइड से वो यहूदा का शेर है। यीशु मसीह के दोनों रूप हमें समझना है। इन बातों पर आज इतना संसारिकता का आज लोगों पे प्रभाव है, लगाव है, जो खुदा की बातें करते तो है लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन देखकर बहुत खराब लगता है। संसारिकता में दो बातों का असर मसीहत पे पड़ा है, जिसके द्वारा आंगन के अंदर वो आंगनों को रोंदने वाले, चाहत को रोंदने वाले, परमेश्वर की चाहत को रोंदने वाले, परमेश्वर की चाहत के साथ खिलवाड़ करने वाले, परमेश्वर के आंगन में आके ढोंग करने वाले लोग हैं। मैं ऐसे ढोंगियों को मिल चुका हूं और मैं परमेश्वर के पास दुआ करता हूं, प्रभु मैं कभी ऐसा कोई बहुत जबरदस्त प्रचार कर रहा है या बहुत जबरदस्त आराधना कर रहा है, मैं इमीडिएट इंप्रेस नहीं होता, प्रभु क्या है ये सत्य बता, क्योंकि आप मुझे भी परख सकते हो, मेरा प्रचार है या मेरा आराधना, मुझे आपको बताना है, आपको परखने का अधिकार दिया है, न्याय करने का नहीं। परखने के बाद अगर आपको समझ में आता है कि सब्जी वाले ने अगर उस बर्तन में सड़े हुए टमाटर डाले तो आप वो सड़े हुए टमाटर निकाल कर अच्छे टमाटर रखते हो, परख सकते हो, आप उसका न्याय नहीं कर सकते, उसको अकल नहीं सिखा सकते हो। अगर आप सब्जी लेने जाते हो तो वो हरी सब्जी लेने के वक्त 5 रुपए की वो धनिया की जो सब्जी लेते हो, हरी धनिया की, उल्टा पुल्टा करते हुए 10-20 गड्डिया यहाँ वहां करते हो, आप एक चुनते हो तो आप परखते हो, न्याय नहीं करते हो। परखना ये विश्वासी का अधिकार है। तो चलते हम आगे, और जो 15 मिनट बचे हुए, 15 मिनटों में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये संसार की संसारिकता से आंगन कैसे भ्रष्ट हो रहा है, किन लोगों के द्वारा हो रहा है, विश्वासियों के द्वारा हो रहा है। अच्छे बड़े बड़े अपने आप को बड़े बड़े अगवे कहने वाले, आई एम अपोस्टल, आई एम प्रॉफेट, आई एम बाइबल टीचर, आई एम हाईली अनॉइंटेड पास्टर, आई हैव बिग मिनिस्ट्री, अगुओं के द्वारा। तीसरी बात, सेवक सेविका, और चौथे लोग है आराधक। ये 4 कैटेगरी के लोग जिनका संपर्क या जिनको आंगन में कलिसिया में उपस्थिति में आना होता है, ये 4 लोगों के तरीके में, यही 4 लोग है, विश्वासी हो या कोई अगवे हो, सेवक सेविका हो छोटे मोटे, या आराधक हो, बजाने वाले हो, गाने वाले हो, लीडिंग करने वाले हो, ये 4 कैटेगरी के लोगों में हम भी उसमें मोड़ते हैं। क्या हम परमेश्वर के आंगनों को रोंदने वाले, कुचलने वाले, खराब करने वाले, भ्रष्ट करने वाले, आंगन के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, आंगन को दुर्गंधी फैलाने वाले हैं, या आंगन को सुगंधित करने वाले हैं? मैंने बताया ना उस बुढ़िया का किस्सा जो हमारे बात हमारे पड़ोस में बहती थी, जब सुबह सुबह वो गोबर से पूरा लिपती थी 4 बजे उठकर, और कोई आकर उस आंगन में अगर किसी प्राणी के, कुत्ते के अगर लैट्रिन से अगर पैर उसका भरता है और उस आंगन से गुजर के अगर वो जाता है तो वो दिन भर कुड़कुड़ाती थी और गालियां देती थी। वो बातें मुझे अब समझ में आई कि एक इंसान उसने पवित्र किए हुए या साफ किए हुए आंगन को आकर कोई इंसान अगर खराब करता है तो उसे कितना खराब लगता है। तो वो परमेश्वर है जिसने हमें उसके आंगन में आने के लिए अपने पुत्र का आखिरी लहू का कतरा भी बहा दिया है। आमीन। इसीलिए पौलुस कहता है परमेश्वर की आत्मा को दुखी मत करो, परमेश्वर की आत्मा को बुझने मत दो। और संसारिकता के मैं केवल आपको कुछ बातें बताऊंगा, समय खत्म होने को आ रहा है। उसमें से अगर आप देखोगे संसारिकता का 2 प्रभाव पड़ा हुआ है कलीसिया पे, विश्वासियों पे, अगुओं पे, सेवक सेविकाओं पे और आराधकों पे। अब वो कैसा प्रभाव है? पहला प्रभाव रीति रिवाजों से आया है, रिचुअल्स, और दूसरा प्रभाव फैशन की दुनिया। बाइबल कहती है रोमियो 12:2 में, इस संसार के सदृश ना बनो तो अपने मन के नवीनीकरण से अपने आप का रूपांतर होने दो।
याकूब की पत्री में बाइबल कहता है कि परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदय में बोया गया है, इसलिए बोया गया ताकि हमारे मनों का उद्धार हो। कल एक एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहता हूं, मैं कुछ ऐसी पोस्ट हमारे महाराष्ट्र में मराठी में मैं पढ़ता हूं, तो कुछ ऐसे लोग निकल कर आते जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं पहचानने के लिए। हाँ, ये इनको अगर इन बातों से अगर तकलीफ हुई, इसका मतलब ये वो स्पिरिचुअल हो गए। मैंने एक पोस्ट डाली थी, जैसे चर्चे शुरू हुए हमारे महाराष्ट्र में पुणे में 10 अक्टूबर से चर्च शुरू हुए, तो मैंने एक पोस्ट डाली कि अभी कलीसिया खुल गई है तो जो समझदार भेड़ है वो अपने ही भेड़शालाओं में प्रवेश करे। अब तक आपने 1-2 साल ऑनलाइन में जहां पर जिनके साथ संपर्क में थे, अभी थोड़ा सा वो छोड़कर आपको आपकी कलीसिया की ओर चलना होगा। जो आपके अगुवे आपके लिए दिन रात दुआ कर रहे, आपको समय दे रहे, तो ऐसे कुछ लोग निकल कर आए जो सो कॉल प्रॉफिट, सो कॉल अपोस्टल, कल एक सो कॉल अपोस्टल, स्वयं घोषित अपोस्टल, प्रेषित, प्रेरित। उसने कहा कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, मुझे बहुत लंबी चौड़ी डांट लगाकर बहुत लंबी पोस्ट लिखी उसने। मैंने जब जाकर उसका प्रोफाइल देखा तो डीपी के ऊपर वो स्विमिंग पूल के अंदर आधी नंगी तस्वीर उसने अपने डीपी पे रखी हुई है, एकदम पिक्चर स्टाइल में, एकदम उसका वो पूरा स्टाइल था। और ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा डॉन स्विमिंग पूल में थोड़ी देर के बाद अभी वो ड्रिंक्स भी लेने वाला है, वो ऐसा पिक्चर था। तो मैंने उसको पूछा कि भाई आप संसारिकता में इतने पढ़े हुए, आप हमको बताएंगे? तो वो कहता है ये मेरा अतीत, मेरा पास्ट है। तो पास्ट आप प्रेजेंट में क्यों बता रहे हो? नाम लिखा है अपोस्टल सोएंसो और अपोस्टल का फोटो, आधा नंगा शरीर स्विमिंग पूल में खड़ा हुआ व्यक्ति अपनी बॉडी बता रहा है। ये आपके लिए चिन्ह है ऐसे लोगों को पहचानने के लिए। ये ऐसे लोग है जो रात रात अफ्रीकन और नाना प्रकार के नॉन बिब्लिकल डॉक्ट्रिन्स वालों के पीछे भविष्यवाणियों के लिए केवल दौड़ते। हमारे भारत के अंदर भी ये बीमारी लगी हुई है, बहुत सारे लोग भविष्यवाणियों के पीछे दौड़ रहे। उनको भविष्यवाणी केवल चंगाई, बरकत और अच्छे भविष्य की चाहिए, लेकिन अगर भविष्य वक्ताओं का अगर अभ्यास करोगे, जेन्युइन भविष्य वक्ता पॉजिटिव बात नहीं करते, नेगेटिव बात ही करते, जो गलत है वो गलत ही बोलेंगे। 400 भविष्यवक्ता यहोशाफाट के समय में थे, लेकिन एक ही मिखाया था जो सत्य बोलने के द्वारा आहाब ने उसको तमाचा मारा और उसको जेल में डाल दिया, लेकिन वो जेन्युइन था इसलिए उसने असलियत बताई। आज ओझाओं के जैसे भविष्यवक्ताओं को हम देखते, तांत्रिकों के जैसे देख रहे, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने वाले देखते, कोई बात नहीं, लेकिन ये बातों के लिए हमको बुलाया नहीं। आमीन, हालेलुया। अब जब हम रीति रिवाजों पर आते, देखो मेरी बातों को आप थोड़ा समझ लो। जब रीति रिवाज जब कलीसिया के अंदर प्रवेश कर रहा है, जिसका नया जन्म हुआ है, जिसने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसके ऊपर ये संसारिकता के रीति रिवाज का असर नहीं पड़ेगा। एक किस्सा मैं आपके साथ दोहराना चाहता हूं या आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जो अपने आप को पास्टर कहलाते, अपने आप को परमेश्वर का सेवक कहलाते, प्रचार करते, और उसी फेसबुक पोस्ट के ऊपर वो रोज प्रचार करते या वचन को पोस्ट करते या जो भी अच्छी अच्छी बातें शेयर करते, लेकिन इनको पकड़ने का या उनके स्पिरिट को समझने के लिए यही सोशल मीडिया जो है ना उन्हें प्रकट करते, क्योंकि बाइबल कहता है तेरा पाप ही तुझे पकड़वाएगा। एक बहुत ही अपने आप को अनवांटेड करने वाला परमेश्वर का दास, उसके घर में शादी है, शादी में हल्दी हो रही है। देखो हल्दी लगाना नहीं लगाना ये मेरा टॉपिक नहीं है, ठीक है, आपके है वो बातें, आपके गांव के रिचुअल है, आप लगाओ, लेकिन उसका प्रदर्शन या उसकी नुमाइश आप सोशल मीडिया पे मत करो, क्योंकि आप एक साइड से अपने आप को एक अभिषिक्त कहते हो और दूसरे साइड से आप संसारिकता की बातों को रखते हो। वही अभिषिक्त दास अपने आप को कहलाने वाला वो फिल्मी गानों पे ठुमके मार रहा था, अब उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं लग रही थी, उसको बिल्कुल भी इन बातों का दुख नहीं लग रहा था कि इसी सोशल मीडिया पे मैं प्रचार भी कर रहा हूं और इसी सोशल मीडिया पर मैं बॉलीवुड के गानों पे डांस कर रहा हूं। जिसका उद्धार हुआ है ना,
वो इन बातों में गिरेगा नहीं, अगर गिरेगा भी जस्ट एक फैमिली फेलोशिप में, तो इन बातों की नुमाइश वो सोशल मीडिया पे या दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करेगा। एक्चुअली में आप क्या दिखाना चाहते हो? आप ये बड़े सीनियर व्यक्ति हो, मैंने जब ये बात उनको पर्सनली मैंने उनको टेक्स्ट करके बताया तो उन्होंने मेरी अकल निकाली। उन्होंने बताया आपको पता नहीं है, आप बहुत नए नए, हम बहुत पुराने खिलाड़ी है खिलाड़ी, ऐसा उन्होंने मुझे मेंशन किया। तो क्या हुआ, ये जो बात वो व्यक्ति समझो एक दिन पहले हल्दी में वो डांस कर रहा था फिल्मी गानों के ऊपर, गाना भी कौन सा चल रहा था पता है, दो घोट पिला दे शराबी। अब वही बात लेकर वो अपना पोस्ट डाल रहा, दूसरे दिन वही व्यक्ति बाइबल लेके प्रभु आपसे प्रेम करता है। यह है आंगन का ढोंग, यह है आंगन के साथ किया गया खिलवाड़, यह है आंगन का अपमान। और यह बात यशया नबी 1:12 में कहता है, तुम मेरे आंगनों को रोनते हैं, ये आपको किसको बताया नहीं, पता है नहीं आपको ये बात। उसके बाद मैं अभी परसों में पेज के ऊपर प्रचार कर रहा था, पास्टर कपिल शर्मा जी का पेज, मैं नाम भी लेता हूं। वो सिस्टर रश्मि बहुत दिनों से कॉल कर रही थी लेकिन मेरा कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से मैं समय नहीं दे पा रहा था। आखिरी गुण का पास्टर जी फ्राइडे को आपको प्रचार करना होगा। जस्ट उस पेज को मैं देख रहा था, उसके अंदर मुझे बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर चेहरे जो प्रचार के लिए नहीं आए थे, वो केवल अपना ब्यूटी पार्लर बताने के लिए आए थे। एक तरफ से एक लट छोड़ी हुई है, कलर लगाया हुआ है और घड़ी घड़ी केवल लट के साथ खेला जा रहा है और सामने अपने होठों से लाली लगाई वो बताया जा रहा है। ये मेकअप लगाने की जगह नहीं है। आप आंगन में परमेश्वर की चाहत के लिए आए हो या आंगन में अपनी कुछ बातों की नुमाइश या एडवर्टाइज करने आए हो? शायद ये बात सुनने के लिए कड़वी, इसलिए मैंने कहा कि ये संदेश आंगन का कड़वा होगा, डांट लगाने वाला होगा या तलवार का वार करने वाला होगा। अगर वार हो जाए तो गलत बात कटने दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं खास वो कुछ स्पेशली कमेंट नहीं देना चाहता हूं, जब पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नवीन टाटके साहब और उनकी बेटी, जब ये दोनों जब वहां पे सेवकाई को आते हैं ना, तो एक अलग फील होता है। बाप बेटी जब साथ में आते हैं, जब वो ट्रांसलेट करती है या प्रचार करते हैं साथ में या गाना गाया जाता है, लेकिन उसके अंदर एक तहजीब दिखती है, एक परमेश्वर की योजना दिखती है, उपस्थिति दिखती है, कोई भी अलग बातों की नुमाइश ना कोई अलग बात दिखती है। ये होती है सेवकाई। लेकिन आज कुछ लोग आते हैं केवल अपना चेहरा या अपनी स्टाइल बताने के लिए। अब ये बातें बहुत ये डीप जाने वाला मैसेज है, मेरा टाइम खत्म हुआ है। तो ये सब फिल्मी आयोजन किया जाता है, उसके साथ साथ आराधक भी आते हैं ना, फटे पुराने कपड़े, ऐसी कुछ ड्रेसिंग होती है। स्पेशली आजकल के आराधक चमकीले कपड़े, स्पेशली चमकीले कपड़े पहने जाते हैं। आप कहा क्या जाता है पता है, परमेश्वर बाह्य स्वरूप में देखता है, हृदय देखता है, लेकिन इस वचन का संदर्भ उन्हें पता है कि कौन किससे कहता है और कब कहता है। वहां पे ये वचन को अगर आप समझेंगे तो सच में जेन्युइनली वो व्यक्ति इन सब बातों से बाहर निकल जाएगा। मुझे जो आपके एमपी के गांवों से कुछ वीडियो दिखता हूं मैं, मनीता सेनानी है वो जो बहन दिखती है, वहां पे दो तीन भाई लोग है जो गांव के अंदर बहुत ही आत्मा से भरकर एक घर में जो आराधना होती है एकदम सादगी के साथ, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति दिखती है। ये जो परफॉर्मेंस करने वाले, ये एंटरटेनमेंट करने वाले, ये खुदा के लोग नहीं हो सकते, क्योंकि आंगन में परफॉर्मेंस या मनोरंजन या एंटरटेनमेंट नहीं किया जाता है, आंगन में समर्पण किया जाता है। जब चाहत में समर्पण होता है तब इबादत में परमेश्वर लेके जाता है, जब इबादत में खुदा लेके जाता है तब अति पवित्र स्थान में वो मोहब्बत में लेकर आता है। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर संसारिकता का ऐसा असर पड़ा है कि वो आज संसारिकता की ये बातों को लेकर तलाकशुदा सेवक सेविका बहुत निकले, बहुत बड़ा अपने आप को समझते, लव मैरिज करने के बाद उसी बीवी को तलाक देकर एक दूसरी व्यक्ति कलीसिया से ढूंढकर उसके साथ सेवकाई करे। अगर तलाक लिया है तो बाइबल का वचन पूरी तरह से फॉलो अगर करेंगे तो वहां पे जब तक वो पार्टनर खत्म नहीं होता है तब तक आप नहीं कर सकते हो,
चलो अभी किया भी है लेकिन ये विश्वासियों तक ठीक है, लेकिन अगर कोई अगुआ ये कर रहा है, मैं एक महाराष्ट्र के अंदर एक प्रॉफिट और एक अपोस्टल को जानता हूँ। अपोस्टल जेंट्स है और प्रॉफिट लेडीज है। अपोस्टल की जो बीवी अभी जो प्रॉफिट है उसकी ये चौथी बीवी है, और प्रॉफिट का ये जो अपोस्टल वेरी जो हस्बैंड है वो उसका तीसरा हस्बैंड है, और उनकी मिनिस्ट्री को नाम दिया है प्रॉफेटिक अपोस्टलिक मिनिस्ट्री, और आगे लिखा इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है। ये अपने जिले से बाहर नहीं गए और ये इंटरनेशनल हो गए। बहुत ऐसी कॉमेडी बात देख रहे हैं आप। मैंने केवल आपको रीति रिवाज के बारे में बताया है, लेकिन अगर आप फैशन में बढ़ेंगे तो फैशन में अगर देखेंगे तो एक बहुत ज्यादा अंग प्रदर्शन करने वाले लोग आज परमेश्वर के आंगनों में दिख रहे। और क्या कहा जाता है, वेस्टर्न ट्रेंड, वेस्टर्न ट्रेंड वेस्टर्न में अच्छा लगता है, जो पूर्व के पश्चिमत्य जो देश है वहां पर ठीक है। यिर्मयाह नबी कहता है कि बाहरी देशों के कोई भी प्रभाव आपके अंदर ना हो। आमीन, हालेलुया। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ, और केवल मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ आंगन में कैसे कैसे करके फैशन के द्वारा। पहली बात हमने देखी रीति रिवाज के द्वारा बहुत सारे लोग आंगन को रोंद रहे, फैशन के द्वारा रोंदा जा रहा है। उसमें से लड़कों का कानों में बालियां पहनकर लंबे लंबे बाल करके, लड़कियां बाल कम कर रहे, लड़के बाल लंबे कर रहे, कानों में बालियां पहनकर यीशु तेरा नाम, क्या है संसारिकता कानों में बाल में। जब किसी भी जगह पर मैं जाता हूँ ना प्रचार को, अगर कहीं पे बुला, अगर कोई ऐसा दिखता है ना उसको मैं बुलाता हूँ, अगर आराधना करनी है तुझे यहाँ पे, भाई तो यहाँ पे गेस्ट हूँ, लेकिन तुझे आराधना करनी है ना ये कानों का निकाल के फेंकना होगा, अन्यथा मैं आराधना करने नहीं दूंगा। तू दास है या पुत्र है? कानों में बालियां पहनने का इतिहास पता है? जब लेविटिकस के अगर जाओगे वहां पर अगर कोई परमानेंट गुलाम है, उस परमानेंट गुलाम की पहचान होती है, उसका कान आरी से दरवाजे पे छेदा जाता था और उसके कान में वो बाली पहनाई जाती थी कि ये परमानेंट स्लेव, ये हमेशा का गुलाम है, आप गुलाम हो या पुत्र हो। उसके बाद जब हम देखते हैं रंग बिरंगी वेशभूषा, वर्षिप में दिख रही है, विश्वासियों में दिख रही है, आराधकों में दिख रही है, नीले काले पीले, काला तो है, नीला पीला हरा बाल हो रहा है, क्या ये वही पैसा आप परमेश्वर के राज्य में दो ना? नहीं देंगे, लेकिन स्टाइल के लिए हमारा खर्चा बहुत बड़ा हो सकता है। उसके बाद अभी दूसरा एक ट्रेंड आया है, आप कितने सहमत हो पता नहीं मुझे, बहुत सारे विश्वासियों के यहाँ पे अगर स्त्री है तो वो अपने पति का नाम यहाँ पे गुंदवाती है, टैटू। ये टैटू का वर्ल्ड शुरू हुआ है, 666 का जो फॉर्मूला है यहाँ से शुरू हो रहा है, टैटू या गुंदवाया जाता है अपने पत्नी का नाम या पति का नाम या जो भी है यहाँ पे गुंदवाया। मेरे हाथ पे भी ये टैटू है, मेले में गुंदवाया था, लेकिन मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि इसको निकालना है, थोड़ा खर्चा ज्यादा है इसलिए चुप बैठा हूँ। क्रॉस का टैटू है मेरे हाथ पे, कोई कहेगा तुम्हारे हाथ में भी था, ये जब मुझे ज्ञान था मैं जब स्टाइल में निकाल दिया तो निकाल दिया, वचन की मालूमत नहीं थी तब निकाल दिया। कुछ लोग पीठ पे टैटू और वहां पर बहुत बड़ा गले वाला ब्लाउज पहनाया जाता है, छाती पे यहाँ पे टैटू, गले पे टैटू, जो बॉलीवुड हॉलीवुड के जो जो हीरो हीरोइन है आज ये लोग उनको कॉपी करते हैं और कहते हैं तेरी स्तुति करूं प्रभु यीशु, तेरी महिमा करूं। ये गुंदवाना ये कहां से आया है? ये पैलेस्टाइन लोगों का ट्रेंड था जो अपने परमेश्वर के लिए गुंदवाते थे। जब कनान में जाने से पहले परमेश्वर ने इसराइलियों को मूसा के द्वारा हिदायत दी थी कि कोई भी अपने शरीर पर ना गुंदवाए, कोई भी टैटू ना निकाले, लेकिन आज कलीसिया में आराधना करने वाले, वर्शिप करने वाले, आने वाले विश्वासी कुछ सेवकों के भी हाथ में वो दिखाया जाता है। समझ में आ रहा है ये फैशन, ये जो ट्रेंड आज, इसके वजह से बहुत सारे लोग परमेश्वर के आंगन का, उसकी चाहत का खिलवाड़, अपमान या ढोंग कर रहे। उसके साथ साथ और कुछ बातें पांच मिनट में बढ़ा के ले रहा हूं, मैं केवल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, फिर आगे हम और थोड़ा डीप जाएंगे। बहुत सारे लोग अभी व्हाट्सएप पे आता है स्टेटस, फेसबुक पे आता है रील,
आप जो टिकटॉक के जैसे वीडियो चल रहे थे, फिल्मी वीडियो पे अगुओं के वीडियो आ रहे, किसी का बर्थडे है तो स्पेशली इनका टाइम प्रार्थना में नहीं जा रहा है, ये वीडियो एडिटिंग में समय जा रहा है, उनके अंदर पिक्चर के गाने आ रहे, फिल्मी गाने आ रहे, जो ये सब बातों को प्रकट करे, क्या हो रहा है? ये आंगन में ढोंग करने वाले लोग हैं, ये आंगन के ढोंगी है जो अपने घरों में हॉलीवुड बॉलीवुड स्टाइल में रहते और आंगन में आने के बाद ऐसे एक्टिंग करते, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इनकी चोरी यही पकड़वा के देते जब ये सोशल मीडिया पे वो डालते। मैंने एक असेंबली ऑफ गॉड का एक पास्टर, उसको मैंने डायरेक्टली फोन करके बोला, आप पासवान हो? उनकी बीवी का उन्होंने एक वीडियो बनाया और पूरा फिल्मी गानों का उस पे भंडार था। उनको मैंने मेरी लाइन से मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे जो मेरा माइंड से डिस्टर्ब करे। क्या आज जो मुझे देख रहे कुछ है ऐसे, क्या हमारे ऊपर इन बातों का प्रभाव पड़ा हुआ है? फैशन का प्रभाव, संसारिकता का प्रभाव, फिल्मी गीतों पे डायलॉग बाजी करते, एकदम डायलॉग मारते हैं, कुछ ऐसा भी मुझे पता नहीं, उन्हें एप्लीकेशन का नहीं, लेकिन ऐसा बताते हम ही हम है, एकदम बंदूक बिंदुक लेकर जैसे फिल्मी आते वैसे वीडियो आ रही है। अब अपने आप को विश्वासी कहते स्टेटस में आते, रील में आते, उनके स्टोरी में वो वीडियो आते, हमको कुछ लगता नहीं ये बात। ये लोग जो चर्चेस में आराधना में कहते हैं ना नृत्य करना चाहिए, नाचना चाहिए, ये ऐसे लोग अपने घर के आंगनों में, अपने शादी बारात में डीजे लगाकर ठुमके मारने वाले लोग हैं। ये है वे लोग जिनको परमेश्वर कहता है तुम मेरे आंगनों को रौंदते हो, एक आपको किसी ने बताया नहीं? बिना डरे खुलेआम व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पे ये चल रहा है। और मेरा पेज जब चर्च का चल रहा था, मैं बहुत सोच समझ कर मैं उन लोगों को बुलाता था, लेकिन आज कुछ ऐसे पेज बेकर पैदा हुए जिनकी कोई कलिसिया नहीं, जिनके पास कोई विजन नहीं, लॉकडाउन के टाइम पे टाइम पास नहीं बोल के उन्होंने पेज खोल दिए और पेज पे इसको बोला उसको बोला फलाने को बोला इसको बोला और ऐसा बता रहे हम बहुत मिनिस्ट्री कर रहे, और उस पेज पे कोई भी आकर कुछ भी प्रचार कर रहा है। घर घर में लॉकडाउन के दरमियान सेवक और सेविका पैदा हो गए, जो कभी बाइबल पढ़ते नहीं वो प्रचार करना शुरू कर दे। ऐसी बातों की वजह से सोशल मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आंगन को रौंदा है, कुछ ऐसे पेज मेकर है जो मुझे बुलाते मैं उनको साफ मना कर देता हूं मैं नहीं आ सकता हूं। जहां पर केवल मनोरंजन करने के लिए पेज चलाया जाता है वहां पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जहां पे सच में खुदा का एक दर्शन है फिर वहां देखने वाले मुझे दो लोग क्यों ना हो मैं वहां पर प्रचार करूंगा। आज इन बातों से हमें कुछ सीखना यार अजीजों, मैंने केवल शॉर्ट में ये बातें आपके सामने रखी, लेकिन अगले एपिसोड में हम वचन टू वचन जाएंगे। क्या यशया 1:12 के अनुसार मैं आंगन को रौंदने वाला हूं, आंगन के साथ खिलवाड़ करने वाला हूं, आंगन को बदबूदार करने वाला हूं, या ऐसा जीवन जीकर नॉन कॉम्प्रोमाइज जीवन करते हुए खुदावन की बातों को महत्व देते हुए मैं आंगन को सुशोभित करने वाला हूं या बदबूदार करने वाला हूं, यह अपने आप को जांचना चाहिए। थोड़ा सा मिर्ची लगने वाला, कड़वा लगने वाला, तोड़फोड़ करने वाला ये टॉपिक है। क्या मैं मेरी चाहत में ढोंग है? मैं केवल संडे क्रिश्चियन हूं इतवारी लाल, बाकी दिन अपनी मनमानी से हूं। संडे आपको चार्जिंग के लिए दिया जाता है, आपके आत्मा को चार्ज किया जाता है, ताकि मंडे टू सैटरडे जो चार्जिंग आपको चर्च में मिला है, जो चार्जिंग आपको अगुओं से मिला है, वो चार्जिंग आप सप्ताह के मंडे से लेकर सैटरडे तक लोगों के जीवन में प्रकट करो और उन्हें भी संडे को चर्च को लेकर आओ। मैं बहुत कभी कभी पैनिक हो जाता हूँ ऐसे लोगों को देखकर, वो प्रचार कब और अपनी सुंदरता का ही प्रदर्शन कर रहे। इन बातों से हमें बचना होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब सत्संग फेलोशिप में केवल जेन्युइन लोगों को ही बुलाया जाता है, वो आपको बेहतर मोहब्बत करते हैं। देखो क्या संसारिकता का रीति रिवाज का प्रभाव मुझ पर आया है या फैशन का प्रभाव आया है, कि जो प्रभाव के द्वारा क्या मैं आंगन को रौंदने वाला हूं या आंगन